हेलो एवरीवन। और आज बनाने जा रहे हैं हम शीर खुरमा। और ये शीर खुरमे के लिए से दूध है, ये करीब 1.5 लीटर दूध है। इसे लो फ्लेम पे गरम होने के लिए रख दिया है। और यहाँ ये सारे मेवे हैं जो कटे हुए हैं, काट के रखा है। और ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है सेवई, ये भुनी हुई सेवई है और भुनी हुई ही लेना चाहिए। और नहीं, बाय चांस अगर नहीं होती है तो उसे भून लेना चाहिए। और ये आपको जो भी डालना है मेवा में वो ही डालिएगा, और नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो ये है पिस्ता, और ये है बादाम, ये है काजू, और ये है चिरौंजी, और ये है नारियल, ये किशमिश है, ये छुआरा है यानि खजूर, और ये नारियल है। तो हम बहुत कम डाल रहे हैं क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, मुंह में आता है, इसलिए ज़्यादा खड़ा नारियल नहीं डालते हम। जो बुरादा होता है, किसा हुआ नारियल, वही यूज़ करते हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और ये जो छुआरा है, इसको भिगो के रख दिया था तो इससे नरम हो जाते हैं छुआरे, तो कड़ापन नहीं लगता इस जब शीर खुरमे में डालेंगे तो ये सॉफ्ट रहेगा। तो बस इसे भिगो के काट के रख लिया था। और ये है खोआ, तो ये फ्रिज में था, ये कड़ा हो गया था तो इसे बाहर निकाल के रखे हैं अभी थोड़ी देर के लिए। और इसमें डाला घी, और ये है इलायची, और जो सारे मेवे थे इसको मिक्स कर लिए, सिर्फ छुआरा और किशमिश को छोड़ के, बाकी सब इसमें अभी इसको फ्राई करेंगे और अच्छे गुलाबी होते तक के भूनेंगे इसे। और जलना नहीं चाहिए, नहीं तो जला जला मेवा दिखेगा तो वो अच्छा नहीं दिखता, काला होने लगता है। तो बस हल्का सा भूनेंगे। अब इसमें सिवई डाल देंगे, 2 मिनट करीब इसको भी चला लेंगे मेवे के साथ। और ये दूध गरम होने रखे थे तो गरम हो चुका है, अच्छा खौल गया था। और ये देखिए, इसमें पूरा सिवई डाल देंगे और करीब 2 मिनट तक के इसे पकने देंगे। अब इसमें मेवा डाल, ये सॉरी खोआ डाल के इसे सॉफ्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे तो डाल नहीं सकते, तो इस वजह से ये इसमें फ्राई पैन में गरम कर लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये आसानी होती है। फिर उसमें डाल देंगे और अब इसमें शक्कर डालेंगे, 1.5 कटोरी करीब शक्कर डाले थे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डालिएगा, नहीं है तो कम डालिएगा। फिर इसे चला के गर्म होएगा तो वो शक्कर घुल जाएगी।
अब इसमें खोआ डाला, इस तरह से चम्मच से चला लीजिएगा तो इससे क्या है जो डल्ले नहीं बनेंगे उसमें मिक्स हो जाएगा वो शीरखुरमे में। खोआ डालने से टेस्ट अच्छा आता है, अगर आप डालें तो ठीक है, नहीं डालें तो दूध 2 लीटर दूध को 1 लीटर दूध कर लीजिए उठा के, तो उससे भी टेस्ट खोए का ही आएगा। और कई लोग मिल्क मेड डालते हैं, हम तो खोआ ही डालते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है खोए से। अब गरम करेंगे तो इसमें जो छुआरा है और जो किशमिश है उसको फ्राई करेंगे। इसलिए ये दोनों चीज़ को अलग रखते हैं क्योंकि एक साथ मिक्स करके मेवे को नहीं डालते हैं, क्योंकि ये मेवा, ये जो छुआरा है और किशमिश डाल देंगे तब दूध गर्म होगा तो ये जो शीरखुरमा है उसका दूध फट जाएगा, छुआरे से दूध फटता है, तो इसलिए जब पूरा पक जाएगा तब इस तरह से इसको फ्राई करके फिर बाद में शीरखुरमे में डाल देंगे। जब ये किशमिश अच्छे से फूल गई तो फिर बंद कर दिया इसको, नहीं तो किशमिश भी जल जाती है। और इसमें अब डाल दिया इसे, और हमारा शीरखुरमा तैयार हो चुका है और काफ़ी मज़ेदार भी बना था और काफ़ी अच्छा, दिखने में भी अच्छा था। और सेवई के हिसाब से आप सेवई कम करेंगे तो बिल्कुल पतला हो जाएगा, दूध की तरह दिखेगी सेवई, और ज़्यादा कर देंगे सेवई तो एकदम गाढ़ी हो जाएगी। तो बस सेवई को अपने हिसाब से कम रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं। और ये देखिए हमारी शीरखुरमा बन के तैयार है, और अब इसे बाउल में निकालेंगे। और अब गार्निश करेंगे बादाम, पिस्ता और काजू से। तो फिर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।